भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 40 साल के हो गए। धोनी की गिनती टीम इंडिया के सफल कप्तानों में की जाती है। उनके नाम क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। धोनी के इस जन्मदिन के मौके पर हम धोनी से जुड़ी उन रोचक और अनसुनी कहानियों को बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से पहले फुटबॉल के शौकीन थे। वह क्लब और जिलों में होने वाले मैचों में बतौर गोलकीपर खेला करते थे। इसके अलावा धोनी क्लब लेवल पर बैडमिंटन भी खेला करते थे। कोच केशव बनर्जी के कहने पर वह क्रिकेट खेलने लगे। साल 2008 के आईपीएल के पहले संस्करण में धोनी सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने थे। महेंद्र सिंह धोनी बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के बहुत बड़े फैन हैं, साथ ही साथ उन्हें किशोर कुमार के गाने भी बहुत पसंद हैं। महेंद्र सिंह धोनी सुपर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम के को पार्टनर हैं। धोनी ने साल 2012 में एक टीम को खरीदा था। इसके अलावा HIL में भी धोनी की एक टीम रांची रेंज मौजूद है। साल 2011 में धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी। महेंद्र सिंह धोनी के नाम भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा कप्तानी का रिकॉर्ड है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 60 टेस्ट, 200 वनडे और 72 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है। धोनी के नाम विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भी सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 183 रन की पारी खेली थी। MS धोनी दुनिया में अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने वनडे में सातवें नंबर पर बैटिंग करते हुए शतक जड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 113 रन की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी की कुल संपत्ति की बात करें तो धोनी के पास करीबन 775 करोड़ रुपए की संपत्ति है। धोनी के पास 23 बाइक्स हैं जिसमें 10 विंटेज और 13 स्पोर्ट्स बाइक शामिल हैं। धोनी 2017 में अपने नए घर कैलाशपति में शिफ्ट हो गए थे। उनका यह फार्म हाउस 7 एकड़ में फैला हुआ है। इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। खेल जगत और अन्य लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।